हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सादिया इजी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ अंडा को बिराजी। ये एक बहुत ही कोलकाता का फेमस डिश है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और ये दिखने में भी कितना खूबसूरत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक कॉमेंट करें और लाइक करें और अपने फैमिली में शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और उसको बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करने के बाद उसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच तेल। और 2 चम्मच तेल, इससे ज़्यादा ना डालें, तेल का क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखें इसमें। और फिर इसमें डाल देना है प्याज। ये मैं 3 प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब आपको प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेना है। ये देख सकते हैं प्याज हमारा अभी फ्राई हो चुका है। अब थोड़ा ध्यान दे के प्याज को फ्राई करें और अभी इसमें ऐड कर दें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। और इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है 5 से 10 सेकंड तक। और गैस को आपको लो मीडियम फ्लेम पे रखना है। और मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। ये मैं 4 हरी मिर्ची को बारीक चॉप्ड कर लिया है। और साथ ही में अभी डाल रही है ड्राई मसाला। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, और डाल रही हूँ मैं भुना हुआ जीरा का पाउडर, ये मैं 1/2 चम्मच। और साथ ही में डाल देना है धनिया पाउडर, वो भी 1/2 चम्मच। अभी गैस को आपको लो फ्लेम पे रखना है और इस मसाले को ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेना है मसाला से। जब तक थोड़ा खुशबू ना आ जाए तब तक आपको मसाले को भूनते रहना है और गैस को आपको लो फ्लेम पे रखना है। ये ध्यान रखें, नहीं तो मसाला हमारा जल सकता है। मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से आपको भून लेना है। और इसमें अभी डाल देना है 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मसाला भुन जाने के बाद इसके अंदर डाल देना है आपको बॉयल किया हुआ पोटैटो। ये मैं 2 पोटैटो का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको ग्रेटर से बहुत ही अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। पोटैटो अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको अंडे को भी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसकी वजह से 2 पोटैटो में आपका 6 से 7 कोबिराजी बन के तैयार हो जाता है। अभी इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आलू को बॉईल करके तुरंत निकाल के रख देना है। आलू में थोड़ा सा भी पानी ना आना चाहिए, इसका ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो हमारा टूट सकता है कोबिराजी बनाते वक्त। अभी आलू हमारा बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी इसमें डाल दें हरा धनिया और हरा धनिया को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इसमें। और फिर आपको गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करके इसको बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। और नमक अभी इसमें आपको बिल्कुल ऐड नहीं करना है, वो मैं आपको बताती हूँ कब करना है। ये देख सकते हैं मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और इसको प्लेट में निकाल के बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ये देख सकते हैं ये लगभग ठंडा हो चुका है हमारा। अभी इसमें आपको डाल देना है अंडा। ये मैं उबला हुआ 3 अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 आलू के लिए आपको 3 अंडा इस्तेमाल करना है, फिर अंडा आप इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डाल दें 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। आप ग्रेटर की मदद से आप अंडे को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रेट कर लें। अब अंडा ग्रेट हो चुका है। अभी इसको आपको हाथों की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक डो जैसा आपको तैयार कर लेना है। और अगर ये डो थोड़ा सा नरम लग रहा है आपको तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर या फिर थोड़ा सा बेसन इस पर ऐड कर सकते हैं। अब इसको हाथों में लेके आप जितना बड़ा शेप का बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ऐसा कटलेट जैसा आपको शेप दे देना है। कोबिराजी हमेशा ऐसा चपटा शेप में होता है कटलेट के जैसा, इसीलिए मैं ऐसा शेप दे रही हूँ। ये देख सकते हैं इसी तरह मैं बाकी सब तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं मेरा सब तैयार हो चुका है।
अब आप जाना है नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक पतला सा इसका घोल तैयार कर लेना है। अगर आप कॉर्नफ्लावर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 2 अंडा लेके उसको बहुत ही अच्छी तरह से फेंट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर से थोड़ा सा क्रिस्पी होता है, इसीलिए मैं कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडे से भी सेम होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अंडे का इस्तेमाल ज़रूर इसमें कर सकते हैं। और ले लेना है हमको ब्रेड क्रम्स, और इसको घोल थोड़ा सा आप चपटा चीज़ में बनाइए ताकि हमारा जो ये कटलेट है उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से इसमें आराम से डिप कर सकते हैं, ये टूटेगा नहीं है। अब इसको सावधानी से लेके आपको इस कॉर्नफ्लावर वाला बैटर में थोड़ा सा डिप कर लेना है, और फिर जो ब्रेड क्रम से हमारा उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से कोट कर लेना है। अब इसको एक बार कोट करके फिर से कॉर्नफ्लावर में डुबो के डबल कोट भी आप कर सकते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, क्रिस्पी होता हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ऐसा करें, नहीं तो आप एक सिंगल कोट भी बहुत ही अच्छी तरह से करें तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप मेरे चैनल के वीडियो आज नहीं देख रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देख सकते हैं हमारा एक कोबिराजी बन के तैयार हो चुका है, और ये बाकी भी मैंने इसी तरह बना लिया है। अब इसको फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। इस कढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा तेल गरम कर ली हूँ। अब इसमें जो है कोबिराजी हमारा, उसको अभी इसके अंदर डाल देना है। गैस अभी हमारा हाई फ्लेम पर है, अब इसको लो मीडियम फ्लेम पर कर दे और इसको बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आप फ्राई कर ले। एक तरफ से ये हो जाने के बाद फिर इसको धीरे धीरे दूसरे तरफ पलटा लें, ये तुरंत फ्राई हो जाता है। अब मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर आप कैसा कोट करेंगे उसको। खूबसूरत बन के तैयार हो चुका है। आप लोग भी इसको ज़रूर घर पे ट्राई करें, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फैमिली फ्रेंड में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो। और मिलेंगे ऐसे ही नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।